ये हिटाची का एसी है 1.5 टन का और 5-स्टार एसी है। इसमें 9 टाइम बिलिंग कर रहा है, नया एसी है, अभी 2 दिन पहले ही इंस्टॉलेशन हुआ है। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि 9 टाइम बिलिंग करके ऑफ हो जा रहा है। तो हमारे ये संदीप भाई हैं, चेक कर रहे हैं कि आखिर कहाँ से प्रॉब्लम है। और इसमें तो ज़्यादातर सेंसर का ही प्रॉब्लम होता है, तो फिर हम देख रहे हैं हम लोग कहाँ से प्रॉब्लम हो सकता है और क्या सोल्यूशन है। धीरे धीरे आप लोग को हम दिखा रहे हैं। तरीका हाँ, देखिए ऐसे कोई इसमें पकड़िए, हाँ इसको आराम से उठाइए, हाँ मालूम पड़ा आराम से निकल गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए हर आदमी अपने अपने ढंग से काम करना। जी सर, हम हिंदुस्तान प्रेस में थे ना, देखिए यही सेंसर खराब है। अच्छा, यही सेंसर खराब है, ठीक है। हम लोग चेंज करेंगे और चेक करेंगे कि कहाँ से है सेंसर, चेंज करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। कौन लगा है सर सेंसर? ऐसे सॉल्व हो गया सर, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया सिर्फ सेंसर से। वाह, 9 टाइम। तो अभी हम क्या करते हैं कि 15 मिनट 20 मिनट एसी को चला के चेक करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। ये हमारा रूम सेंसर है ना, हाँ ये रूम सेंसर है हिटाची के डेटन एसी में। अभी ये जो सॉकेट दे रहा है अभी नया आ रहा है, देखने में आपको ऐसा देखने में ये हमारा है। आप ये सेंसर है रूम सेंसर और इसमें लगा हुआ है, इस सॉकेट में बैठा हुआ है और हम चेक कर रहे हैं कि आप प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं। हाँ, रिमोट दे एसी को चालू कर रहे हैं। बुआ हम लोग चेक कर रहे हैं कि सॉल्व हो रहा है या नहीं। सॉल्व हो गया। अच्छा, ये संदीप भाई ये क्या कारण है जो सेंसर खराब होने से ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, 9 टाइम बिलिंग करके ऑफ होता है? अगर सेंसर अगर अच्छा से नहीं लगा रहेगा तो वो ब्लिंकिंग करेगा। अच्छा से नहीं लगा, सेंसर अच्छा से नहीं लगा था। अच्छा अच्छा, या फिर सेंसर खराब होने से भी ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं कि अभी हम लोग चेक करेंगे इस एसी को और जब चेक हो जाएगा तो फिर हम लोग इसको कस देंगे। हो गया सर चेक। अभी क्या है कि 5 मिनट एसी चल गया है तो तब तक हम लोग बॉडी कस रहे हैं और फिर देखते हैं 15-20 मिनट चलाएंगे, चेक करेंगे। तो संजोग अच्छा हुआ, जानते हैं सर, हाइट वाला दीजिए ना, थोड़ा लॉक लगाना। अच्छा ठीक, तो हमारे चैनल से इसी टाइप का वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा जो कि कस्टमर के घर में ऑफिस में जाके ये काम होते रहेगा, जिससे आप लोग को ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। तो आप लोग वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चल रहा है, एकदम कंफर्म हो गया जो दूसरा आया है, एकदम पकड़ लिया, बोले जब बस कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लॉक बैठाने का तरीका पहले यहाँ से फिर मिला नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लम ही नहीं है। अब इसको ये वाला मिला नहीं होता है। अच्छा, ये वाला हां, ऑटोमेटिक अपने से बैठ जाएगा, एकदम कंफर्म हो गया, अरे एकदम 100% प्रॉब्लम है, कुछ था कुछ प्रॉब्लम वही पकड़ लिया, बोल रहा है ठीक है। देखिए अब चला के, हम लोग तो चला के देखेंगे ना, हम लोग को प्रॉब्लम नहीं आया बस। हाँ, हाँ।
संदीप भाई आपका एक्सपीरियंस कितना है हिटाची का? पढ़ाई तीन साल का। क्या बात है, सीखे कहाँ थे? इसी 10 मिनट चल गया है, 10 मिनट प्लस ही हो गया, फिर भी हम लोग देख रहे हैं। जब तक रुक नहीं होगा जाएंगे नहीं यहाँ से। हाँ, सबसे खास बात ये है, नहीं तो बहुत सारे ड्राइवर तो टेक्नीशियन होते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो हमारा एक्सपर्ट बंदा है और अच्छा लग रहा है आज वीडियो बनाने में हमको। ये समय भाई फ्लैप बैठा रहे हैं, इसका फ्लैप का ये वाला घाट मिलाकर लगाया जाता है। अच्छा। जो कि एथी में इसमें नहीं तो टूट जाता है, बहुत ज़्यादा टूट। हाँ, बहुत ज़्यादा। पहले दोनों साइड में लगाना पड़ता है, उसके बाद बीच वाला लॉक है। ये साइड हो गया, दोनों मिला लिए। हाँ, से भी मिला लिए। ठीक है, क्या बात है, आप तो एक दिन में टेक्नीशियन बना दीजिएगा। ऐसा आपका लग गया, कस्टमर के को लगाने के लिए पहले यहाँ से उठा लीजिए, स्टैंड यहाँ लगा दीजिए, फिर फिल्टर को आराम से बैठा लीजिए। फिल्टर लॉक है? अच्छा, फिल्टर लॉक है। हाँ, देखिए लॉक है। हाँ, घाट में लाया जाता है। अच्छा, ठीक है, तो अब लगभग और 10 मिनट हम लोग चला के चेक कर लेते हैं, तब तक हम 100% संतुष्ट हो गया। आप संतुष्ट हैं तो हम लोग संतुष्ट हैं। हाँ, तो हम लोग का कंफर्म है ना कि प्रॉब्लम है सॉल्व हो गई। लटकाया था तो जैक अच्छा से नहीं लगाया। हाँ, अच्छी होता है, अच्छी मैनुफैक्चरिंग 2022 वाला के पूरा मॉडल है, इसमें केवल ये सब वही है, केवल सरवा के साथ एक बार अटैचमेंट हुआ। ठीक है, इसका मतलब 2023 का मॉडल अभी नहीं आया ना? नहीं आया। सीसी का आउटडोर यहाँ पे लगा हुआ है, सही है कूलिंग? है कूलिंग सही है। हाँ, इसके भी बारे में बता दे लड़का सबको, बता दीजिए, अच्छी बात तो होगा। देखिए, हमारे भारत सरकार से जो अथी आता है बिजली सप्लाई 50 हटर जाता है, मतलब एक हॉर्स पावर मानो 786 किलोवाट होता है। अच्छा अच्छा। जो कि कंपनी हम लोग को जो भारत सरकार से 50 हटर का आता है। अच्छा। इसका कैपेसिटी है 5245 वाट। समझे, इसका कन्वर्ट कीजिएगा एम्पियर में तो 6.37 एम्पियर होगा। हाँ, इसका इतना बताना चाहिए। हाँ, इतना रहेगा तो अगर 6.75 बता रहा है तो आपका एसी का गैस सही है। हाँ, या कम भी थोड़ा बता सकता है, या जल्द गर्मी के सीजन में ज़्यादा भी बता सकता है। इसका मैक्सिमम प्रेशर है
42.5 kg सेम टू रेफ्रिजरेंट है R32 गैस, इसमें R32 हाँ, इसका कैपेसिटी है गैस का वजन 0.920 kg, मतलब 1 kg भी नहीं है, 1 kg से कम कम है। कंप्रेसर नंबर 1 है डेमरू, इसका नंबर है कंप्रेसर का ही नंबर रहता है, फैन मोटर का नंबर रहता है और ये कंपनी का नाम होता है जॉनसन कंट्रोलर हिटाची एयर कंडीशन इंडिया लिमिटेड। गुड, थैंक यू संदीप सर, आपके वजह से आज मेरा इतना अच्छा वीडियो निकला और हमें उम्मीद है कि मिलियन में तो जरूर जाएगा इसका व्यूवर्स। ठीक है सर, थैंक यू। तो आखिर में हम लोग ये तय कर लिए कि एसी हमारा ओके हो गया फाइनली। 9 टाइम बिलिंग कर रहा था और उसके बाद एसी बंद हो रहा है, एसी बंद होने के बाद 9 टाइम बिलिंग हो रहा था, जो कि प्रॉब्लम सेंसर से था, या तो सेंसर ख़राब हो जाता है या फिर सेंसर का जैक निकला हुआ रहता है या फिर चूहा काट देने से भी सेंसर का ये प्रॉब्लम आता है। तो अभी हम लोग ने सॉल्व कर दिया है, हमारे संदीप भाई सॉल्व किए हैं। संदीप भाई बिहार टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर से आज से 2-3 साल पहले क्लास किए थे और आज हिटाची सर्विस सेंटर में काम कर रहे हैं और हिटाची का सीनियर टेक्नीशियन है और इतने एक्सपर्ट हैं कि कोई भी काम को बोल देते हैं डन तो डन। क्या संदीप भाई? हाँ सर। चलिए, थैंक यू।